हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। साहिल लुधियानवी के लिखे 63 साल पुराने गाने को कमोबेश सभी ने सुना होगा। फिल्म में देवानंद ने जिस अंदाज में फिक्र को धुएं में उड़ाया, कुछ लोगों का उसे लेकर कहना है कि फिक्र धुएं में नहीं उड़ती। चलिए इस बात को हम आज़म खान से जांचते हैं। रामपुर के वो आज़म खान जो दरा दरा सी बात पर गुस्से से भर जाते थे, जब वो मंत्री थे तो उनका दौर देखा या फिर सुना होगा। अपने वो पराए खौफ खाया करते थे। सूबे में सत्ता बदलने के बाद आज़म खान लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। उन पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कुछ में कोर्ट ने सज़ा भी सुना दी है। उम्र के ढलान पर हैं, बीच बीच में खबरें भी आती रहती हैं कि सेहत भी साथ नहीं दे रही। उनके साथ उनके साहबजादे अब्दुल्ला आजम भी जेल में सज़ा काट रहे हैं। पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा पिछले दिनों ही जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आई हैं। आज़म खान 8 महीने बाद सीतापुर जेल से रामपुर पहुँचे थे। भारी फोर्स थी, कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। किसी को भी आज़म खान के पास फटकने की इजाज़त नहीं थी। अब कुछ और कहे बगैर आज़म खान और उनका अंदाज दिखाते हैं, देखिए। बाबर थोड़ा पीछे करो ना।
अब उस बात की तरफ आते हैं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आजम खान की बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि वो फिक्रमंद नहीं है। जिस्म पर उनकी पसंदीदा पोशाक कुर्ता पजामा और उस पर काली सदरी थी, आंखों पर काला ही चश्मा लगा रखा था। देखकर साफ हो रहा था कि उसका सामना मजबूती से करने की जुस्तजू में है। जो हो रहा है या फिर होने जा रहा है, उस पर वो सब्र किए हुए हैं। पिछली बार जेल से छूट कर आने पर वो अपनी तकरीरों में ये बात कह भी चुके हैं। उन्हें गवाह को धमकाने के मामले में चार्ज फ्रेम होने से पहले रामपुर कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। एक मामला थाना कोतवाली से पंजीकृत कराया गया था 173/22, जिसमें आज आरोप तय होने हैं और आरोप तय होने के लिए कोर्ट द्वारा मोहम्मद आजम खान को तलब किया गया है। तो इसमें कौन-कौन है? हाँ, इस मामले में जो वादी नन्हे हैं, इन्होंने धमकाने का आरोप लगाया था कि जो पीड़ित हैं उनको गवाही के दौरान धमकाया गया था, और ये उससे संबंधित मामला है जिसमें आज चार्ज बनना है और जिस पर कोर्ट ने उनको तलब किया है। कितना 2022 का मामला है ये। चलते चलते आपको बेहद मशहूर मकबूल हम दोनों फिल्म के गाने के बोल पूरे सुनाते हैं, जो सीख के साथ हौसला भी देने वाले हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया।